another video. Supplement series के दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे हम एप्पल साइडर विनेगर को. बहुत ही ज्यादा हाइप है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है रिसेंटली फॉर इट्स फैट बर्निंग बेनिफिट्स. तो क्या है एप्पल साइडर विनेगर, कैसे बनता है? गाइस, एप्पल से एप्पल जूस बनाया जाता है, एप्पल जूस को फर्मेंट कर दिया जाता है. अब उसमें अगर यीस्ट डाल देते हैं तो उससे आप बन जाता है विनेगर, सिरका. तो यही होता है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये एप्पल से बनता है. और अगर इसमें कुछ खास बात है तो वो अपनी मदर नाम की चीज़ के लिए फेमस है. तो गाइस, इसमें मदर में जो प्रीबायोटिक एंजाइम्स होते हैं आपके स्टमक गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, वो आपके स्टमक में जो प्रोबायोटिक एंजाइम्स होते हैं उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. तो कोई भी वहाँ बेनिफिशियल इफेक्ट होगा तो उसका कोई खास फर्क आपके पड़ने नहीं वाला है. और गाइस, इस मदर में अगर कुछ और भी स्टफ प्रेजेंट है तो वो एप्पल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. तो अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो आपको सेम बेनिफिट्स मिल रहे होंगे. तो इसमें कोई अलग से खास बात नहीं आ जाती है विनेगर बनाने के बाद. और गाइस, आयरनी की बात यह है कि जो भी ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं इसी वी के, जो इसकी मदर में होते हैं, जो भी अगर आप उनको ढंग से सोचे तो वो आपको कोई बेनिफिट देंगे नहीं. वो बेनिफिट्स भी जो लोग एसीवी लेते हैं वो बॉटल में ज़्यादातर होता नहीं है मदर, तो वो तो एकदम ही विनेगर होता है और एसिटिक एसिड होता है. और अगर वो कोई और विनेगर होगा तो भी इसका सेम इफेक्ट आएगा. वहाँ एप्पल साइडर विनेगर की कोई अलग से बात रह नहीं जाती है. तो गाइस, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो की, विच इज द क्लेम्स. क्लेम्स मेड बाय द सप्लीमेंट इंडस्ट्री, क्लेम्स मेड बाय द सप्लीमेंट इंडस्ट्री टू मार्केट दीज प्रोडक्ट्स. अब सबसे पहला क्लेम है फैट बर्नर, एज अ फैट बर्नर सप्लीमेंट. अब क्यों बोलते हैं इसको एक फैट बर्नर सप्लीमेंट? जस्ट बिकॉज एक स्टडी हुई थी 2009 में जापान के अंदर ओबीस मेन में. अब इस स्टडी में क्या हुआ था कि ओबीस मेन को एसीवी दिया गया था 15 ml एंड 30 ml. उसके अंदर उनका फैट लॉस हुआ था 2 kg इन 12 weeks. अब सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन इस स्टडी की ये थी कि वो था सेल्फ रिपोर्टेड, कि खुद से सब कुछ रिपोर्ट किया था, खुद से सब कुछ मेजर किया था. अब हाई चांसेस ऑफ एरर होता है सब चीज़ों में, दैट इज वाई हम इस स्टडी को इतना ज़्यादा, इस डेटा को हम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते. तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री का सेकेंड क्लेम है सेटाइटी, जो कि है एपेटाइट कंट्रोल. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपको खाने की भूख नहीं लगती है. अब क्या होता है कि खाने की भूख नहीं लगती है यार, क्या हो रहा है खाने की भूख नहीं लगती और पीने की प्यास नहीं लगती है. इस स्टडी भी, इसकी भी कोई बिल्कुल वैल्यू नहीं है, जस्ट बिकॉज इस स्टडी में एसीवी को पीने के बाद बहुत ही नॉजियस फीलिंग आई थी. नॉजियस फीलिंग का मतलब बहुत वॉमिट वाली फीलिंग आई थी. उससे क्या होता है कि आपकी एपेटाइट वैसे ही कम हो जाती है. दैट मीन्स दिस स्टडी डजंट होल्ड एनी वैल्यू. इस स्टडी के अंदर भी लास्ट में कंक्लूजन में ये लिखा गया है कि दैट इज नॉट रिकमेंडेड, एसीवी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एपेटाइट कंट्रोल, जस्ट बिकॉज इसको पी के आपको एक नॉजियस फीलिंग आ सकती है. और गाइस, एसीवी का तीसरा क्लेम ये होता है कि ये आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में कर सकता है, लोअर रख सकता है. ये बेनिफिट सिर्फ उन लोगों के लिए लागू है जिनको डायबिटीज़ है या फिर वो प्री डायबिटिक हैं, यानी कि काफ़ी इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं. हाँ, उन लोगों में थोड़ी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकता है. और ये बेनिफिट भी एसीवी का कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं है, ये सिर्फ एसिटिक एसिड का बेनिफिट है. तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए एसीवी यूज़ करें, कोई भी विनेगर ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर देगा. और ये भी, इस बेनिफिट में भी एक यहाँ पे नुआंस आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप ले रहे हैं बींग अ डायबिटिक और अ प्री डायबिटिक पर्सन, उस केस में ही आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी इंप्रूव करेगा. सिंपल कार्ब अगर आप ले रहे हैं, सिंपल शुगर्स, तो वहां पे ये असर नहीं करता है. जैसे जूस, शुगर्स, एनी काइंड ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट. और गाइस, चौथा क्लेम इसका है कि प्रीबायोटिक्स बहुत होते हैं इसमें जो मदर होती है उसमें, और वो आपके डाइजेशन में इंप्रूव कर सकती है. तो ये क्लेम भी काफ़ी थोड़ा बेबुनियाद है, क्योंकि एप्पल में ज़्यादा प्रीबायोटिक्स होंगे. आप एप्पल को फर्मेंट करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रीबायोटिक्स एप्पल में है और उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भी आपको एप्पल में मिलेंगे. तो अगर आपने खाना ही है इन बेनिफिट्स के लिए तो आप सीधा एप्पल ही खा लीजिए, और उससे आपकी डाइजेशन ज़्यादा इंप्रूव होगी, ना कि एसीबी से. बिल्कुल. और इसके अलावा एक और क्लेम इसका बहुत देसी टाइप का क्लेम है, जो बहुत मशहूर, जिसके लिए इसको बहुत मशहूर माना जाता है, वो है आपकी टूथ वाइटनिंग करने. चुप चुप चुप, नहीं नहीं नहीं. बेसिकली ये क्या करेगा कि आपके इनेमल को बहुत खराब कर देगा, क्योंकि इसका सिंपल सा मतलब है, एक एसिड है, एसिड आपके इनेमल को खराब कर देगा, करोड कर देगा, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको लेने की. तो गाइस, आप इसको अपने दांतों में मत लगाइएगा, जो है वो भी चला जाएगा. एग्जैक्टली. तो गाइस, ये तो हो गए इसके क्लेम्स. अब बात करते हैं ट्रूथ की. तो घूम फिर के अगर इसका कोई एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट है तो वो सिर्फ डायबिटिक, प्री डायबिटिक लोगों के लिए है. उनके लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी थोड़ी इंप्रूव कर सकता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब वो खा रहे हैं, सिर्फ उस केस में. बाकी सारे जितने भी क्लेम्स है फैट बर्नर, यहाँ पे कोई मान्यता होल्ड नहीं करता है एज अ फैट बर्नर.
और जहाँ तक बात है सेटाइटी की, आपको नॉशियस फील करा था, इट्स नॉट रिकमेंडेड एज अ एपिटाइट सप्रेसेंट सेटाइटी इम्प्रूव करने के लिए, और दांत सफेद करने के लिए भी उसको आप यूज मत कीजिएगा. और जो एक और इसका मदर का प्रोबायोटिक्स का रोल बचता है वो भी कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए आप सीधा का सीधा एप्पल खा लीजिए. तो जो बेनिफिट हैं वो डायबिटिक वाले फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूवमेंट, वो सिंपल विनेगर से भी आपको मिल जाएंगे, किसी भी नॉर्मल विनेगर से. एप्पल साइडर विनेगर स्पेशली आपको उसके लिए यूज करने की जरूरत नहीं है. बढ़ते हैं वीडियो के फोर्थ पार्ट पे, जो कि है इज इट वर्थ और नॉट, जो कि है हमारा वर्डिक्ट. तो स्टडीज के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि इट इज नॉट वर्थ फॉर फैट लॉस. आप एक सिंपल कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जा सकते हैं और आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर बात करते हैं डाइजेशन की, डाइजेशन में भी अगर आप विनेगर बहुत सारे अमाउंट में लेते हैं तो आपका जीआई ट्रैक डैमेज हो सकता है. अब बात करते हैं सेटाइटी की. सेटाइटी अगर आपको लग रहा है कि इसके इफेक्ट्स आपको एपेटाइट कंट्रोल में हेल्प कर रहे हैं, देन गो फॉर इट, अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. ये बात करें डोजेज, हाँ. एक या दो चम्मच स्वाद अनुसार, ठीक है. सोने के बाद उठने से पहले. कितना गंदा जोक है यार, शिट, ये बोल दे जोक. अनसब्सक्राइब. 300 फॉलोअर्स, यूट्यूब एंगेजमेंट जीरो, यूट्यूब पैसे मांगेगा हमसे. हेलो. अब गाइस बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की. अगर आप लें इसी भी उस केस में, अगर आपको अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है तो क्या डोसेज लें और किस टाइमिंग पे लें. तो लगभग 30 ml का डोजेज यहाँ इफेक्टिव रहेगा. ये बॉइल डाउन हो जाता है आपका लगभग 2 चम्मच. टेक इट विथ योर मील्स, अपने दिन में मील्स के साथ 2 चम्मच ACV आप सप्लीमेंट कर सकते हैं. पर डोंट टेक दिस फॉर फैट लॉस. फैट लॉस के लिए हम यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर पीपल जो थोड़े डायबिटिक या प्री डायबिटिक हैं. फॉर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं इस डोसेज में. सो दैट इज ऑल अबाउट ACV, फैट बर्नर. कुछ इसका खास रोल नहीं है, कुछ यहाँ पे आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा. हाइप है फालतू की. ध्यान दीजिए अपनी डाइट पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, फूड के साथ रिलेशनशिप पे. कैलोरी डेफिसिट में रहिए, इनफ प्रोटीन खाइए, वेट लिफ्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा. और यही करने की ज़रूरत है. दैट्स ऑल अबाउट ACV. बताइएगा ACV के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कॉमेंट्स में. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो भी मिस इन्फॉर्म है ACV को लेके. हम मिलते हैं आपसे अगले सप्लीमेंट सीरीज वीडियो में. तब तक के लिए मैं हूँ प्रोफेसर सिड और मैं हूँ प्रोफेसर मीरा. साइनिंग ऑफ. बाय बाय.